यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हरियाणा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है। लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाता रहा है। 3 दिन तक हड़ताल का ऐलान उनकी ओर से किया गया था, जिसके बाद उस हड़ताल को बढ़ा दिया गया। आज चौथे दिन भी हड़ताल लगातार जारी है, जिसके चलते प्रदेश में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और बिगड़ने लगी है। कई शहरों में गंदगी के ढेर लग गए हैं और सफाई नहीं की जा रही सफाई कर्मचारियों की ओर से, क्योंकि हड़ताल पर वो 3 दिन से है, जिसके बाद अब चौथे दिन भी अपनी हड़ताल को बढ़ा दिया गया है उनकी ओर से। भिवानी से सुमित कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुमित, भिवानी की बात कर ली जाए, वहां पर सफाई के क्या कुछ हालात है? गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, गंदगी के ढेर में पूरा शहर तब्दील होता दिख रहा है। अगर बात करें भिवानी की, तो भिवानी शहर में लगातार, क्योंकि 4 दिन से पहले, 3 दिन से पहले मशाल जुलूस निकाला गया था सफाई कर्मचारियों के द्वारा, उसके बाद 9, 10, 11 तारीख 3 दिन जो है उनके द्वारा हड़ताल की गई थी। हड़ताल को उसके बाद फिर बढ़ाया गया 3 दिन के लिए, और अभी अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी भी तरह से कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं आया, बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं आया है, और कर्मचारी भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर देखा जा सकता है इस तरह से, क्योंकि 3 दिन से हड़ताल थी, चौथा दिन हड़ताल का, उसके बाद सफाई कर्मचारी लगातार सरकार को घेरने के प्रयास में है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप की गई है। 350 के करीब कर्मचारी हैं भिवानी में सफाई कर्मचारियों की, अगर मैं बात करूं, तमाम कर्मचारी हड़ताल पर गए, और इस वजह से शहर की जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। बिल्कुल सुमित, अगर बात की जाए सफाई कर्मचारियों की, तो उनकी ओर से ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने वादा खिलाफी की है। पहले सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था, साथ ही उनका वेतन कई महीनों से उन्हें नहीं मिला है। देखिए, अगर यहाँ पर वेतन की बात की जाए भिवानी के संदर्भ में, अगर मैं बात करूँ, तो वेतन इन कर्मचारियों का 3 से 4 महीने का लंबित पड़ा है, और इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरी तमाम मांगे, क्योंकि करीबन 200 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि ठेकाधार पर लगाए गए हैं, और छटनी प्रथा को खत्म किए जाने, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किए जाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने जी, कुछ इस तरह की उनकी मांगे हैं। उनके वेतन को जो है उसमें बढ़ोतरी किए जाने, इस तरह की उनकी मांगे हैं, और लगातार वायदा खिलाफी के आरोप भी सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस बार वो झुकने वाले नहीं है किसी भी तरह से, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, मांगे नहीं मानी गई, तो निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमाम कर्मचारी जाएंगे। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हर्षवर्धन हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, रोहतक की बात कर ली जाए, रोहतक में सफाई के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, अगर रोहतक की बात की जाए सफाई के मामले में, तो सारा शहर जो है बिल्कुल गंद से आटा पड़ा है, और कहीं भी जो है सफाई कर्मचारी नजर न आए, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, लगभग 600 टन के करीब जो कचरा है वो सड़कों के ऊपर बिखरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन की हड़ताल पूरी हो चुकी है, आज चौथा दिन का स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इनसे कोई बातचीत करने की, ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन देने की बात कही है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी 3 दिन का अल्टीमेटम और दिया गया, अगर इस दौरान भी सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पक्का होने की मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं ये कर्मचारी, और लगातार इनकी ओर से हड़ताल की जा रही है। आज चौथा दिन इनकी हड़ताल का है।